भारत रूस की दोस्ती को हुए 70 साल। रूस ने हमेशा दिया भारत का साथ, दोस्त हो तो ऐसा रूस जैसा। भारत और रूस की दोस्ती की कहानी काफी पुरानी है और आज दोस्ती की ये किताब 70 साल पुरानी हो चुकी है। 13 अप्रैल 1947 के दिन भारत और रूस, जो उस समय सोवियत संघ था, दोनों देशों ने मिलकर आधिकारिक तौर पर दिल्ली और मॉस्को में मिशन स्थापित करने का फैसला लिया था। आज ये सफर 70 साल पुराना हो चुका है। An old friend is better than two new friends. भले ही आज भारत और रूस में काफी बातों को लेकर सहमति बनी हो, कुछ खट्टी तो कुछ मीठी बातें हुई हो, लेकिन ये बात भी सच है कि भारत का सच्चा दोस्त रूस ही है। पिछले 70 सालों में दुनिया के हालात काफी बदल गए हैं। कई देश गृह युद्ध की चपेट में आ गए तो कई देशों के रिश्तों में गिरावट आ गई है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत और रूस के रिश्तों में कोई खटास नहीं आई। भारत के हर बुरे वक्त में रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। दुनिया की परवाह किए बिना रूस ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत के साथ दोस्ती निभाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने 22 जून 1962 को अपने 100वें वीटो का इस्तेमाल करके कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया था। तब भारत के खिलाफ दुनिया के अनेक देश थे। इन देशों का मकसद कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान को देना था, लेकिन रूस ने उस बुरे वक्त में भी भारत के साथ दोस्ती निभाई और तमाम देशों की इस साजिश को नाकाम कर दिया था, जिसको लेकर मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे और सबकी निगाहें भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अंतिम 2 इकाइयों के लिए रूस की मदद से जुटे करार पर होगी। वैसे पीएम मोदी ने कहा भी है कि भारत और रूस दुनिया में उभरती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंध भी हैं। भारत रूस की सेनाओं के बीच अक्सर सैन्य अभ्यास भी होते रहते हैं। भारत ने रूस की सहायता से ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भी बनाई है। भारत ने रूस से कई हथियार भी खरीदे हैं। भारत ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र समेत कई और संयंत्र निर्माण में रूस ने भारत की बड़ी मदद की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी रूस और भारत हमेशा एक साथ नजर आते रहे हैं। ये अब तक का सफर भारत और रूस की बेमिसाल दोस्ती को खूब बयां करता है। भारत को उम्मीद है कि ये दोस्ती इसी तरह से आगे भी बरकरार रहेगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।